आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तु शास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा जी। आचार्य जी, हार्दिक स्वागत है आपका स्टूडियो में। जी नमस्कार। तो यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1-800-102-6303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120-464-6332, 0120-464-6327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो आचार्य जी, 12 साल बाद आया है सिंहस्थ गुरु जो राशियों में आया है और वो 13 महीनों तक राशियों में रहेगा। अगर शास्त्रानुसार माने तो इस दौरान सभी मांगलिक कार्य वर्जित बताए गए हैं। क्या है सच और अगर है तो क्या क्यों? जी बिल्कुल, 12 साल बाद 13 महीने के लिए सिंहस्थ गुरु होने जा रहा है, यानी गुरु की जो स्थिति है वह कर्क से निकल करके सिंह राशि में आने वाली है। आपकी राशि को किस तरीके से प्रभावित करेगा यह सिंहस्थ गुरु, क्या होगा आपकी राशि पर प्रभाव, ये सारी बातें आज हम लोग जानने वाले हैं। इस बार 12 साल बाद गुरु जो है वह सिंह राशि में आने वाले हैं। गुरु जो है 14 जुलाई को सिंह राशि में पारगमन करने वाले हैं, सिंहस्थ होने जा रहे हैं। हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार सिंहस्थ गुरु की अवधि में सभी मांगलिक कार्य वर्जित बताए गए हैं। हालांकि धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, देवी पुराण, मुहूर्त चिंतामणि के अनुसार सिंहस्थ गुरु का असर गंगा नदी के, यानी गंगा के दक्षिण और गोदावरी के उत्तर क्षेत्रों में बताया गया है, अर्थात गंगा और गोदावरी के मध्य के भागों में शुभ कार्य वर्जित बताए गए हैं। तो खासतौर पर गंगा और गोदावरी के मध्य पड़ने वाले इस क्षेत्र में शुभ कार्य को वर्जित माना जाता है, उन क्षेत्रों में कोई शुभ कार्य नहीं किया जाना चाहिए। खासतौर पर सिंहस्थ गुरु का गुरु में नवमांश का समय जो है वो बहुत विशेष वर्जित माना जाता है। अगर आप पूरे काल में ना माने तो जिस समय ये अपने नवमांश में होते हैं उस समय में तो कम से कम आपको किसी भी मांगलिक कार्य को करने से बचना चाहिए। सिंह का गुरु 14 जुलाई 2015 से 11 अगस्त 2016 तक सिंह राशि में पारगमन करेंगे। इससे पहले सिंहस्थ गुरु वर्ष 2003 में हुए थे। हमारे धर्म ग्रंथों में सिंहस्थ गुरु का नवमांश काल ही सभी प्रदेशों में मांगलिक कार्यों के लिए वर्जित माना जाता है। सिंहस्थ गुरु का नवमांश काल 14 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर के मध्य 2015 में रहने वाला है। ब्रह्मांड में गुरु को एक बड़ा ग्रह माना जाता है जिसका रंग पीला है। यह ग्रह ज्ञान, शिक्षा, विस्तार व विद्वानों का प्रतीक होता है। इस मास की 14 जुलाई को आषाढ़ कृष्ण त्रयोदशी को मंगलवार के दिन देवगुरु मघा नक्षत्र के अधीन 6:23 पर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और वहां 11 अगस्त 2016 तक विराजमान रहेंगे। पांचवी, सप्तम और नवम दृष्टि जहां डालें उस भाव को लाभ देता है गुरु ग्रह बृहस्पति। गुरु धनु और मीन राशि का स्वामी है तथा कर्क में उच्च राशि का कहा जाता है, जबकि मकर राशि में यह अपनी नीच अंश में हो जाते हैं, यानी नीच राशिगत हो जाते हैं। धनु राशि में ये बहुत ही शुभ फल कारक होते हैं। सूर्य, चंद्र और मंगल इनके मित्र ग्रह माने गए हैं, परंतु बुध, शुक्र और शनि इनके शत्रु माने जाते हैं। यह लग्न पंचम, नवम व दशम भाव में कारक ग्रह बताए गए हैं। गुरु जो है वह 6, 8, 12 भाव में हो या नीच राशि में हो या इन राशियों के स्वामियों के साथ संबंध बनाता हो तो बहुत अशुभ परिणाम देने वाले माने जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि आपकी राशि को किस तरीके से प्रभावित करेंगे सिंहस्थ गुरु। 14 जुलाई 2015 को 6:25 से प्रतापी एवं उदार ग्रह गुरु अपनी पारगमन सूर्य के स्वामित्व वाली सिंह राशि के बीच से करने जा रहे हैं। गोचर का गुरु अपनी उच्च राशि को छोड़ेगा, अर्थात कर्क को छोड़कर के सिंह में प्रवेश करेगा और 12 अगस्त 2016 तक निरंतर इसी राशि में पारगमन करने वाले हैं। वैदिक ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार सिंह के बीच से गुरु के पारगमन को सिंह गुरु के नाम से भी जाना जाता है। धर्म ग्रंथों में धर्म शास्त्रों के अनुसार सिंह गुरु को किसी भी संदिग्ध गतिविधि या धार्मिक समारोह के लिए बहुत अशुभ माना गया है,
ये प्रभाव आपके लिए 14 जुलाई 2015 से आरंभ होकर के 12 अगस्त 2016 तक देखने को मिलेगा। ये महत्वपूर्ण ग्रही गतिविधि किस तरीके से व्यक्तिगत स्तर पर आपको प्रभावित कर सकती है, इसके बारे में आज हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। हमने इस ग्रही गतिविधि का प्रभाव अलग अलग राशियों पर देखने का एक छोटा सा प्रयास किया है। या तो जानते हैं ये प्रभाव दरअसल सिंह गुरु का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, चलिए आचार्य जी से जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए गुरु पारगमन काफी अनुकूल कहा जा सकता है। विशेषकर शैक्षणिक क्षेत्रों में आपको बहुत अच्छी सफलता मिले, महत्वाकांक्षाओं और योजनाओं हेतु इसे बहुत शुभ माना जा सकता है। इस समय गुरु आपके शिक्षा से संबंधित घर के बीच से पारगमन कर रहे हैं, इसलिए आप शैक्षणिक क्षेत्र में अच्छे नतीजों की उम्मीद कर सकते हैं। विद्यार्थी वर्ग के लिए यह समय काफी उत्तम सिद्ध कहा जा सकता है। हालांकि 10 जनवरी 2016 से उन सभी जातकों को अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता है जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपके शिक्षा संबंधित घर में गुरु के साथ राहु की युति होगी। भगवान गणेश की पूजा आराधना से आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। राहु पारगमन काफी प्रतिकूल सिद्ध होगा आपके लिए। यदि आप आपने उपरोक्त अवधि के दौरान सावधानी न बरती तो आपको नुकसान भी हो सकता है। इस समय आपकी प्रगति की चाल प्रभावित हो सकती है और ध्यान इधर उधर भटक सकता है। जो जातक संतान प्राप्ति के लिए प्रयत्नरत हैं, उनको गुरु पारगमन के दौरान इस मामले में सक्रिय प्रयास करने की आवश्यकता है। हालांकि महिला जातकों को इस समय अपने रूटीन स्वास्थ्य परीक्षण, रूटीन चेकअप करा लेने की आवश्यकता है। यदि उनका उपचार या चिकित्सकीय परामर्श चल रहा है तो उन्हें अपने डॉक्टर से संपर्क में अवश्य रहना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं वृषभ राशि वालों को सिंह गुरु का आखिर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए गुरु आपकी राशि से चौथे भाव पर पारगमन करेंगे। यह भाव सुख सुविधा से जुड़ा हुआ स्थान माना जाता है। जो जातक मास्टर डिग्री कर रहे हैं उनके लिए समय अच्छा है और इम्तिहानों में अच्छा प्रदर्शन आप कर सकेंगे। हालांकि यदि आप कर सकते हैं तो आपको अपना फाइनल प्रोजेक्ट जुलाई 2015 और जनवरी 2016 के बीच ही पूरा करके उसको सबमिट कर देना चाहिए, सुपुर्द कर देना चाहिए, क्योंकि आप राहु के नकारात्मक प्रभाव से बचने में इस दौरान सफल रह सकते हैं। इसके अलावा इस समय वृषभ जातकों को नया वाहन या नया घर खरीदने का सुनहरा अवसर भी प्राप्त हो सकता है। आप इस गृह स्थिति का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा जो जातक रियल एस्टेट के क्षेत्र से जुड़े हुए संबंधित व्यापार करते हैं या प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य करते हैं, उनको 10 जनवरी 2016 से 9 मई 2016 तक विशेष तौर पर सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। और चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि वालों को आखिर क्या प्रभाव पड़ने वाला है उनके ऊपर। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए गुरु आपकी राशि से तीसरे भाव में पारगमन करेंगे। गुरु का सिंह राशि से सिंह के बीच से पारगमन आपकी राशि के लिए सामान्य रहेगा। हालांकि हो सकता है कि गुरु ने आपको कर्क में रहते हुए काफी सुखद पलों का अनुभव कराया हो। इस समय आपके जीवन में कुछ कम समय के लिए सुखद आयोजन हो सकते हैं। कुल मिलाकर के आपको इस समय के दौरान मिले जुले नतीजे प्राप्त होंगे। कुछ कुछ अवसरों पर नकारात्मक परिणाम सामने आए ऐसे अभी संभावना आपके लिए बनती है। फिलहाल इस पारगमन के दौरान आपके लिए प्रवास काफी अनुकूल रहेगा। इस समय आपको अधिक प्रवास करने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं जो आपको व्यस्त रख सकते हैं। और चलिए अब जानते हैं कर्क राशि वालों के बारे में आखिर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए 14 जुलाई 2015 के बाद गुरु गृह बृहस्पति आपकी राशि को छोड़ करके सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जो आपकी राशि से दूसरा घर पड़ता है एवं यह परिवार और आपकी अपनी संपत्ति पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ स्थान होता है, दूसरा भाव जो होता है। इसलिए गुरु का यह पारगमन कर्क राशि के जातकों के लिए काफी फायदेमंद सिद्ध होने जा रहा है। विशेषकर जनवरी 2016 तक आपको काफी ज्यादा लाभ मिल सकता है, क्योंकि बाद में राहु और गुरु का जो योग होगा वो थोड़ा सा आपके लिए अनिष्टकारी, ये युति जो है थोड़ा नुकसानदायक हो सकती है। आप अच्छे वित्तीय लाभ की उम्मीद इस दौरान कर सकते हैं।
और परिवार की खुशी के लिए आप कुछ धन खर्च करें, ऐसे भी आपके लिए लक्षण बनते हैं। 31 जनवरी 2016 के बाद से आपको काफी सतर्क रहने की आवश्यकता है। आपको अपनी बोलचाल पर विशेष ध्यान रखना होगा, अन्यथा आपके व्यवहार के कारण किसी को मानसिक तौर पर पीड़ा पहुंच सकती है। सावधान रहें क्योंकि इस दौरान आप कुछ गलत लोगों की संगत में भी आ सकते हैं। वित्तीय मामलों में भ्रम की संभावनाएं आपके लिए बहुत अधिक बनेंगी जनवरी के बाद के काल में। अब जान लेते हैं सिंह राशि वालों पर आखिर सिंह गुरु का क्या प्रभाव पड़ेगा। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए गुरु आपकी राशि के बीच से पारगमन कर रहे हैं, जो स्वाभाविक तौर पर आपके लिए एक अच्छी खबर कही जा सकती है। इसके अलावा गुरु आपके लिए शिक्षा, विवाह और भाग्य से संबंधित जो भाव हैं उन पर भी अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। विवाह योग्य जातकों के विवाह संबंधी बातें आगे बढ़ेंगी और परिवार में मांगलिक आयोजन हो सकते हैं, शहनाइयां बच सकती हैं, ऐसा लक्षण समझना चाहिए। सिंह राशि की जो खासतौर पर महिला जातक हैं, इस पारगमन के दौरान गर्भधारण कर सकती हैं। इस मामले में इच्छुक महिलाओं को सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। आपको सलाह है कि सकारात्मक प्रभाव को बढ़ाने के लिए आपको अभी से भगवान शिव की पूजा, शिवलिंग पर पंचामृत अभिषेक आरंभ कर देना चाहिए। शिवलिंग की पूजा आराधना करने से आपको निकट भविष्य में ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव से बचने में काफी मदद मिलेगी, क्योंकि 31 जनवरी 2016 के बाद से नकारात्मक ग्रह राहु का गुरु के साथ संयोग होने जा रहा है। ये युति आपके लिए आपके गर्भ से जुड़े हुए मामलों में नुकसानदायक हो सकती है और उसके साथ साथ ये आपके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। हालांकि उससे पहले का समय आपके लिए काफी अनुकूल कहा जा सकता है और उसका भरपूर लाभ उठाने का प्रयास आपको करना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं कन्या राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए गुरु ग्रह बृहस्पति आपकी राशि से 12वें स्थान में पारगमन करेंगे, जो आपके लिए नुकसान, विदेशी मामलों में कहीं कोई क्षति हो जाए, धार्मिक उद्देश्य के लिए होने वाले बड़े खर्चों से जुड़ा हुआ है। जो कन्या राशि के जातक विदेश जाने के इच्छुक हैं, उनको जनवरी 2016 से पहले प्रयास कर लेना चाहिए, क्योंकि इस समय सफलता मिलने की संभावना आपके लिए बहुत प्रबल बनी हुई है। इसके अलावा इस समय आप किसी धार्मिक स्थल की यात्रा या घर पर धार्मिक समारोह का, मांगलिक कार्यक्रमों का आयोजन करने संबंधी विचार बना सकते हैं। जो जातक नौकरी या अपने करियर क्षेत्र को बदलना चाहते थे, उनको इस समय का लाभ लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसके अलावा जातकों को किसी अन्य स्थल पर जाने के लिए भी तैयार रहना होगा। हालांकि बहुत सारी बातें आपकी जन्म कुंडली की ग्रह स्थिति पर भी निर्भर करेगी, क्योंकि हर जन्म कुंडली अलग अलग होती है, तो जो एक सामान्य सा लक्षण है वो इस प्रकार से समझना चाहिए। अब जान लेते हैं तुला राशि वालों पर सिंह गुरु का कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। गुरु अपना राशि परिवर्तन करते हुए सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जो आपकी राशि से 11वां स्थान होता है। यह घर लाभ का, आशा पूर्ति, मैत्री, सुरक्षा, बीमारी या मुसीबत से वापसी इत्यादि से जुड़ा हुआ है। इसको इसीलिए आय का स्थान कहते हैं। हमारी आय से 11वें भाव का सीधा संबंध है। तुला राशि के जातकों को खुश होना चाहिए, क्योंकि गुरु का सकारात्मक पारगमन उनके जीवन में प्रसन्नता, सुख, समृद्धि, उल्लास और धन लेकर के आने वाला है। आप शैक्षणिक एवं वित्तीय मामलों में सकारात्मक प्रदर्शन की उम्मीद कर सकते हैं इस दौरान। जो जातक अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए यह समय अनुकूल कहा जा सकता है। इसके अलावा गुरु संतति यानी बच्चे, रचनात्मकता के घर से जुड़े हुए भाव पर दृष्टि डाल रहा है। यदि आप प्रजनन मामलों की समस्या से जूझ रहे हैं, तो इस समय में आपकी समस्या का निदान आपको प्राप्त हो सकता है, आपको प्रयास करना चाहिए। हालांकि राहु और गुरु की युति से पहले पहले आपको गुरु की कृपा का लाभ उठाने का प्रयास करना होगा, जो जनवरी 2016 तक आप पर बनी रहने वाली है। और चलिए अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए गुरु ग्रह बृहस्पति आपकी राशि के 10वें घर से पारगमन कर रहे हैं, जो घर भाग्य और आपके करियर यानी आपके पेशे से, व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। इस समय आपको पेशेवर जीवन में काफी अच्छे अवसर मिल सकते हैं, यानी अपनी नौकरी में, अपने पेशे में आपको वृद्धि के लिए आपको बहुत अवसर प्राप्त होंगे। वृश्चिक राशि के जातक इस समय पेशेवर जीवन में कुछ नया करने पर विचार कर सकते हैं। यह पारगमन आपके करियर संबंधी दृष्टिकोण को पूर्ण रूप से बदलने वाला सिद्ध हो सकता है।
आप अपने पेशेवर जीवन में इस समय में उल्लेखनीय प्रगति और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जो व्यापारी बंधु हैं, व्यवसायी जातक हैं, वे इस समय अपने उत्पादों की संख्या में वृद्धि करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों को शनि पारगमन के कारण कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी बीच में आ सकती हैं। अब जान लेते हैं धनु राशि वाले जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए गुरु ग्रह बृहस्पति आपकी राशि से नौवें स्थान में पारगमन करेंगे, जो घर भाग्य का से जुड़ा हुआ है। यह पारगमन धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए काफी अच्छा सिद्ध होने वाला है। गुरु ग्रह बृहस्पति आपकी ही राशि के स्वामी हैं, इसलिए आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको इस समय काफी नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। इस समय धनु राशि के जातक लोगों को प्रयास करने के काफी अवसर प्राप्त होंगे और उनके प्रयासों में भी आपको बहुत लाभ मिलेगा और आप उसका आनंद भी ले पाएंगे। आप किसी धार्मिक स्थल की यात्रा पर भी जा सकते हैं। हालांकि आपको जनवरी 2016 के बाद काफी ध्यान रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि राहु आपकी राशि के स्वामी गुरु के साथ सिंह राशि में युति बनाएंगे। और अब जान लेते हैं मकर राशि वाले जातकों पर इसका आखिर कैसा प्रभाव पड़ेगा, कितना शुभ रहेगा और कितना अशुभ। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए गुरु ग्रह आपकी राशि से आठवें स्थान में पारगमन करेंगे। यह घर अवरोधों के भाव से जुड़ा हुआ है, अवरोध का स्थान मानते हैं। इस समय आपको अपने खर्चों में वृद्धि का अनुभव होगा। आपको सलाह है कि इस समय नए प्रोजेक्टों को शुरू करने या किसी जगह बड़ा निवेश करने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि इस समय आपके धन के कहीं फंस जाने की संभावना बहुत अधिक बनती है। इस समय किसी से उधार धन लेने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि आपको उधार लौटाने में काफी मुश्किल परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ सकता है। कुल मिलाकर के कहा जाए तो मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए गुरु पारगमन बहुत अनुकूल नहीं होगा। आपको गुरु की सकारात्मक शक्तियों को प्राप्त करने के लिए दत्ता भवानी की पूजा आराधना और मंत्र जाप इत्यादि करना चाहिए। गुरुदत्त भगवान की पूजा आराधना आपको लाभ दे सकती है। इसके अलावा आप अपने धर्मगुरु की उपासना भी कर सकते हैं, जिनको आप अपना गुरु मन से मानते हैं। आपको पुखराज रत्न धारण अवश्य करना चाहिए। यहाँ यह लगभग ये 4 कैरेट से बड़ा होना चाहिए, यानी कह सकते हैं 5 रत्ती से ऊपर का अगर आप पुखराज धारण करते हैं सोने में बनवा करके, तो आपको फायदा मिलेगा। इससे आपके जीवन में प्रसन्नता और समृद्धि दोनों आ जाएगी। अब जान लेते हैं कुंभ राशि वाले जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए गुरु ग्रह बृहस्पति आपकी राशि से सातवें घर में पारगमन करने जा रहे हैं। ये घर हिस्सेदारी यानी पार्टनरशिप, विवाह, दाम्पत्य जीवन और अपने संबंधों से जुड़ा हुआ भाव होता है। शादी के इच्छुक अविवाहित जातकों को इस समय में प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि उनके लिए यह समय काफी अनुकूल समय होगा। यदि किसी जातक की विवाह संबंधी बातें जो हैं वो बंद करके रुक जा रही हैं, अटकी हुई हैं, तो इस समय में सकारात्मक प्रतिक्रिया आपको मिलने की उम्मीद बनती है। कुंभ राशि वाले जो पुरुष अविवाहित जातक हैं, उनको विवाह पूजन करके अपना जो अर्का पूजन होता है, जो अर्घ पूजन होता है, जिसको विष्णु पूजन कहते हैं, वह पूजन एक बार जरूर संपादित करा देना चाहिए। यदि उनके विवाह संबंधित मामलों में निरंतर अवरोध आ रहे हैं, तो इस उपाय से इस दौरान आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। जबकि महिला जातक लोग कुंभ विवाह करें, जिसको घट विवाह कहते हैं, तो इस दोष से मुक्त हो सकते हैं और इस योग का आप लाभ ले सकते हैं। आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि इस विवाह इस उपाय को कर लेने से आपके विवाह में जो बाधाएं आ रही हैं वो दूर हो जाएंगी और इसी दौरान, इसी एक वर्ष के दौरान विवाह होने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाएंगी। कुल मिलाकर के विवाह संबंधित मामलों के लिए गुरु पारगमन आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है, इसलिए आपको इसका फायदा अवश्य लेना चाहिए। अब जान लेते हैं मीन राशि वाले जातकों के लिए सिंह गुरु का कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आपकी राशि का स्वामी गुरु आपकी राशि से छठे घर में पारगमन करने जा रहा है। यह घर स्वास्थ्य और बीमारी से जुड़ा हुआ स्थान होता है। इस समय आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जो जातक मधुमेह यानी शुगर जैसी बीमारियों से, डायबिटीज जैसी बीमारियों से जूझ रहे हैं, या आपको रक्तचाप से संबंधित समस्या है, अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं,
तो आपको निरंतर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा और अपना स्वास्थ्य परीक्षण यानी चेकअप करवाते रहना चाहिए। यदि आपने अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया तो इस समय आपका वजन, शुगर और चर्बी का स्तर काफी बढ़ सकता है। कोलेस्ट्रॉल, शुगर, ब्लड प्रेशर से आप परेशान हो सकते हैं। जो जातक अपनी नौकरी में बदलाव चाहते थे उनको जनवरी 2016 से पहले पहले निर्णय कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके पश्चात का समय आपके लिए इतना शुभ नहीं रहने वाला है, इतना अनुकूल नहीं होगा। विशेषकर इस संबंध में अगर आपको निर्णय करना है तो जनवरी 2016 के पहले पहले आप निर्णय कर लें। पंडित जी, ये तो हमने यहाँ पर समझा कि आखिर बृहस्पति सिंह राशि में आ रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं, उसका प्रभाव सभी राशियों पर जाना, लेकिन बहुत सारी राशियों पर बुरा प्रभाव भी पड़ रहा है, उससे लोगों को बचाएंगे कैसे? जी बिल्कुल, यह परिवर्तन सात्विक देवगुरु बृहस्पति का राजसिक सूर्य की राशि में होने जा रहा है। सत और रज के इस मिलन का पूर्ण लाभ लेने के लिए आप तामसिकता का त्याग कर दें, तामसिकता को छोड़ दें। सूर्य देव गुरु के अनन्य भक्त हैं, आप भी गुरु अथवा अपने ईश्वर की भक्ति में लग जाएं तो आपका कल्याण निश्चित होगा। निस्वार्थी बनने का प्रयास करना चाहिए और जो मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं, मेरे द्वारा बताए जा रहे कुछ अन्य मंत्रों का यथाशक्ति जाप करने से भी आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। भगवान बृहस्पति का जो पौराणिक मंत्र है इसका भी आप जाप कर सकते हैं। यह मंत्र है, ओम देवानाम च ऋषिणाम च गुरु कांच सान्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पतिम। इस मंत्र का जाप करके आप लाभ ले सकते हैं। खासतौर पर जनवरी के बाद से इस मंत्र का जाप निरंतर 108 बार करना आपको लाभ देगा। और ग्रह विशेष का यानी बृहस्पति का जो विशेष मंत्र है वह ओम व्रीम बृहस्पतये नमः। अगर आप वैदिक मंत्र जाप ना कर सकते हो तो इस छोटे से सूक्ष्म मंत्र का आप जाप करें तो आपको लाभ मिल सकता है। गुरु ग्रह बृहस्पति का एक दूसरा भी मंत्र है, इस मंत्र को भी आप जाप करके लाभ ले सकते हैं। ओम ग्रांग ग्रीन ग्रौंग सह गुरुवे नमः, मंत्र पुनः एक बार सुन लीजिए, ओम ग्रांग ग्रीन ग्रौंग सह गुरुवे नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। गुरु का रत्न पुखराज होता है, वो आप अपने ज्योतिषी से परामर्श करके कि गुरु आपके लिए पुखराज धारण करना कितना शुभ है कितना अशुभ है, अगर वो आपको आज्ञा देते हैं तो आप पुखराज धारण करके भी इस कष्ट से बच सकते हैं। और गुरु से संबंधित जो दान है, पीली वस्तुओं का, पीले पदार्थों का दान करना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा, खासतौर पर जिनके लिए बृहस्पति के अशुभ प्रभाव मिलने वाले हैं। या तो आज आपने जाना कि 14 जुलाई से भगवान बृहस्पति देव सिंह राशि में जाने वाले हैं और उसका अलग अलग राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है और जिन राशियों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है उसका असर भी कैसे काटा जाए, कैसे बेहतर शुभ फल पाया जाए, ये भी बताया पंडित जी ने। पंडित जी, इन तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। नमो नमः। तो हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।